हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एक्सेल के अंदर हम बिल एंट्री कैसे करते हैं। बिल एंट्री के लिए ये फॉर्मेट हमने क्रिएट किया हुआ है, इस फॉर्मेट को हमने कैसे बनाया, इसके अंदर कौन से फॉर्मूले हमने यूज़ किए और कैसे आप इसको अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम अपनी कंपनी का नाम या अगर कोई हमारी शॉप है तो उसका नाम हम यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट सेल के अंदर हम अपना एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद बिल एंट्री, इसके बाद यहां पर लिखेंगे हम बिल नंबर, पार्टी नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट। अब यहां से हम इसको सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे और यहां तक इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम आएंगे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन के ऊपर। यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे मर्ज अक्रॉस, अपनी कंपनी का नाम और जो हमारी हेडिंग है बिल एंट्री, इनको हम बोल्ड कर लेते हैं। यहां से फॉन्ट का साइज हम बढ़ा लेंगे। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल क्वांटिटी, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और रेट तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, जो हमारा अमाउंट होगा वो निकल कर आ जाएगा। इसको यहां से हम नीचे ड्रैग कर देते हैं तो बाकी जो हमारे सेल्स हैं उनके ऊपर भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब जो हमारी एंट्री होंगी उनको हम यहां पर कर लेंगे। यहां पर हम बिल नंबर डालेंगे, यहां पर पार्टी नेम, जो आइटम हमने सेल करी है उसको हम यहां पर डालेंगे, कितनी क्वांटिटी सेल करी है और किस रेट पर करी है उसको हम यहां पर बता देंगे। ये एक एंट्री हमने यहां पर कर ली है, ऐसे ही मैं बाकी एंट्रीज भी कर लेता हूं। इसके बाद यहां पर इसको हम सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर ऑप्शन के ऊपर आकर ऑल बॉर्डर ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट के ऊपर हमारा बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे। अब इनको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको हम बोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद यहां पर आ जाएंगे, यहां पर हम लिखेंगे टोटल, यहां पर हम ऑटोसम का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर हम अपने अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे जीएसटी, जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यहां पर हम फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल, अमाउंट वाले कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब जो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी हो उसको आप यहां पर टाइप करेंगे। आपका जीएसटी रेट कुछ भी हो सकता है, 5%, 12%, 18% या 28%। हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जो जीएसटी रेट है वो है 12%, तो यहां पर हम 12 टाइप करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, हमारा जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद यहां पर हम टाइप करेंगे ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल निकालने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल अमाउंट वाला सेल प्लस जीएसटी वाला सेल, एंटर प्रेस करेंगे, हमारा जो ग्रैंड टोटल होगा वो यहां पर निकल कर आ जाएगा। अब यहां से हम इसको सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे और यहां तक इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम आएंगे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन के ऊपर। यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे मर्ज अक्रॉस, तो ये फॉर्मेट हमारा रेडी हो चुका है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।